बहुत एक हम मैं कह सकता हूँ टाइम सेविंग टेक्निक है कि जिससे आप अपना बहुत सारा टाइम क्या कर सकते हैं, बचा सकते हैं। अब इसमें होता क्या है कि आप लोगों ने जो आंसर्स हैं वो पूरे लिखे हुए होते हैं। अब आपके अगर 20 चैप्टर्स हैं तो आप 20 चैप्टर्स के आंसर्स इसे फटाफट लिख सकते हैं। मीन्स इसमें आप लोगों को हार्डली एक दिन लगेगा, लेकिन एक दिन अगर आप पूरा बैठ के इसे कर लेते हैं तो 10 दिन में आपकी पूरी बुक का अच्छा रिविजन हो जाता है। तो आपको आपको करना क्या है, और साथ ही साथ आपका टेस्ट भी हो जाएगा इसके साथ में और रिविजन भी हो जाएगा। तो चलिए मैं आप लोगों को कुछ वर्ड्स बताऊंगा, और उन वर्ड्स किससे रिलेटेड आपको जो इन्फॉर्मेशन आपको आती है वो आप लोगों को सोचनी है बस। अगर आप एक पेज लेके बैठ सकते हैं और पेन लेके बैठ सकते हैं वीडियो के साथ में तो बहुत ही अच्छा होगा। आप पेन और पेज लेके बैठेंगे तो आप लोगों को समझ में आएगा और काफ़ी सारी चीज़ें याद भी हो जाएंगी। तो अब मैंने एक वर्ड लिखा है यहाँ पे, गोविषाण। ठीक है, गोविषाण होता क्या है? गोविषाण एक ऐतिहासिक स्थल है उत्तराखंड का, मतलब उसकी पहचान की गई है किस नाम से। ठीक है, तो कौन सा प्लेस है? आप लोगों को इजी क्वेश्चन है वैसे, अगर आप लोग इसे उत्तराखंड का पढ़ रहे हैं और आपने जो चैप्टर्स हैं पीछे पढ़ाए गए हैं उनको अगर आप लोगों ने किया होगा तो आप लोगों के लिए बहुत ही इजी क्वेश्चन है ये। तो ये है आप लोगों का काशीपुर। अब इसका फ़ायदा क्या है जो इस तरह से लिखे हुए रहते हैं? यूजुअली होता क्या है कि जो ये वर्ड आप लोगों को दिखाई दे रहे हैं ना, ये आपको आंसर्स में भी दिखाई देंगे, और जब आंसर्स में ये वर्ड होंगे तो यही एक मतलब 99% चांसेस होते हैं कि यही आंसर होगा। अगर आंसर में आपका वन पर्व लिखा गया होगा ना तो 99 चांसेस हैं कि वो वन पर्व आंसर होगा। भृंगतुंग अगर लिखा होगा तो क्वेश्चन इसी से रिलेटेड बना होगा। तो चलिए इन चीज़ों को हम देखते हैं। अब आता है लाखू उडियार। लाखू उडियार आप लोगों का कौन सी जगह पे है? इसे लाखू उडियार कई तरह से लिखा जाता है। और उडियार क्या होता है? उडियार एक नेचुरल, हम क्या बोलेंगे, नेचुरल केव को हम उडियार बोलते हैं, केव गुफा। ठीक है, उडियार जो लोग नहीं समझते हैं वो लोग जान सकते हैं कि लाखू उडियार जगह का। और यूजुअली जो लाखू उडियार होता है, मतलब हम कहें कि गढ़वाली में या कुमाऊनी में या उत्तराखंड का जो भी प्लेस है उनमें क्या होता है कि जो प्लेस होता है ना उसी जगह के नाम से रख देते हैं। जैसे उडियार होगा ना तो उसे लाखू उडियार बोल देंगे, तो लाखू उधर का प्लेस और या उससे रिलेटेड कोई उसकी हम कह सकते हैं कैरेक्टरिस्टिक होगी, विशेषता होगी। तो उडियार का मतलब क्या होता है? केव होता है। ठीक है, अब आ जाते हैं हम बागेश्वर। बागेश्वर से रिलेटेड आप लोगों को बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आपके दिमाग में आएंगी, लगभग दो चार, वैसे दो चार ही होंगी जो दिमाग में आएंगी, लेकिन ये आप लोगों का बागेश्वर जो था वो कत्यूरी राजाओं का मुखिया था। तो आप लोगों को बागेश्वर का क्या कर लेना है, कत्यूरी वर्ड आप लोगों को याद रखना है। अब यहाँ पे एक आ रहा है कली कलंक पंक। कली कलंक पंक में मग्न धरती के उद्धार के लिए बराह अवतार भी बताया गया था। तो अब इससे क्वेश्चन बनेगा आपका कि बराह अवतार किसको माना गया था? ठीक है, बराह अवतार किसको बनाया गया था? तो ये था आपका ईष्ट देवगण। क्या था वो? ईष्ट। अब आप लोगों को याद कैसे करना है कि जैसे हम बोले कि अवतार, तो अवतार किसका होता है? भगवान का होता है। अब भगवान को हम क्या कहते हैं? ईष्ट ही कहते हैं। तो इस तरह से आप लोग याद रख सकते हैं। अब यहाँ पे एक लिखा है मैंने, पांचवी सदी। पांचवी सदी के बाद बाद में नागों ने क्या किया था? करतपुर जो था कि कुड़िंद राजवंश की सत्ता समाप्त कर ली थी। तो कुड़िंद राजवंश खत्म हो गई थी, किसने किया था? नाग। तो पांच सती, पांचवी जो सती थी वो किस, ये क्वेश्चन आपका इसी तरह से पूछा जाएगा कि किस सती के उत्तरार्ध में नागों ने कीरतपुर के कुड़िंद राजवंश की सत्ता समाप्त कर ली थी और उत्तराखंड पे अधिकार कर लिया था। तो वो है आप लोगों का पांचवी। तो यहाँ पे आप लोगों को पांच फन वाला नाग इस तरह से आप बना सकते हैं, पांच फन वाला नाग। अब जो टेक्निक्स होती हैं उसका सिंपल सा मतलब ये होता है कि हमारा एक टाइम ड्यूरेशन है, सपोज कीजिए हमारा 6 महीने, तो 6 महीने में मुझे ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन अपने दिमाग में भरनी है और उसे सिस्टमेटिक तरीके से भरना है अपने दिमाग में। अगर उसे आप इसे एक एग्जाम्पल के तरीके से समझ सकते हैं कि जैसे आपके पास में एक अलमारी है, अब आपने उसमें कपड़े भर तो दिए हैं उल्टे सीधे, जब आप कपड़ों को ढूंढने बैठेंगे तो आपको कपड़े मिलेंगे नहीं। ठीक है, आपको बड़ी दिक्कत आएगी कपड़े बाहर निकालने में। वही हमारे दिमाग में हमने इन्फॉर्मेशन भरी तो है लेकिन उसे सिस्टमेटिक तरीके से नहीं भरा है। तो होगा क्या कि जब मैं पढ़ता तो बहुत हूँ लेकिन होगा क्या कि जब मैं जाऊँगा एग्जाम में तो मुझे कुछ समझ ही नहीं आएगा, वो इन्फॉर्मेशन बाहर निकालने में दिक्कत आती है। तो इसीलिए आप लोगों को जो मैंने टाइम टेबल बताया था वो इसी के लिए था कि आपको बहुत अच्छे से इन्फॉर्मेशन दिमाग में सेट हो और आप बाहर भी उसको अच्छे से निकाल पाएं जब उसकी ज़रूरत हो। अब अगला है आप लोगों का ऋग्वेद। ऋग्वेद से आपको क्या याद आ रहा है? जो भी आपने पढ़ा होगा ऋग्वेद से संबंधित वो क्या याद आ रहा है? तो उत्तराखंड का जो प्रथम उल्लेख है वो ऋग्वेद में ही आता
आप लोगों को मिलता है। अगला जो है मैंने लिखा है 5.2 kg। ये 5.2 kg कुछ तो आपके दिमाग में आया होगा, जैसे आपने 5.2 kg सुना होगा या देखा होगा। तो वो क्या था, तो एक मुखौटा मिला था कहाँ पर, चमोली में, मलारी गांव में, ठीक है, मलारी गांव में, चमोली में एक मुखौटा मिला था। और ये जो मलारी गांव था, क्योंकि मैं वहां पर टीचिंग कर रहा था, तो जस्ट उसके बगल का गांव था चमोली में, 5.2 kg। अब मुझे उस टाइम पे पता होता कि हिस्ट्री में कुछ इस तरह का है, तो ज़रूर जाके यहाँ पर देख के आता और प्रॉपर वहाँ पे फोटोग्राफी करके आता। बट फिर भी अब तो याद हो गया और बहुत इजी क्वेश्चन हो चुका है ये उत्तराखंड के उसमें हिस्ट्री में। अब आते हैं, हम बात करेंगे स्कंद पुराण की। स्कंद पुराण से रिलेटेड आपके दिमाग में क्या इन्फॉर्मेशन आई है? तो जैसा कि मैंने कहा कि ऋग्वेद, अगर जैसे हम ऋग्वेद कहें, तो उत्तराखंड का सबसे प्रथम उल्लेख जो हुआ वो ऋग्वेद में हुआ है। अब स्कंद पुराण की बात करें, तो स्कंद पुराण में कुमायु, ठीक है, कुमायु का क्या किया गया है, कुमायु ना का सर्वाधिक उल्लेख किसमें किया गया है, स्कंद पुराण में किया गया। अब आता है तपोवन। अब यहाँ पे तपोवन से आप लोगों को रिलेशन बना लेना है कि जैसे तपोवन, तो तपोवन में किसी ने तप किया था, किसने किया था वहाँ पर तप, तप किया था लक्ष्मण जी ने, ठीक है, याद रख लेना आपको। तपोवन में किसने किया था, लक्ष्मण जी ने क्या किया था, वहाँ पर तपस्या की थी, इसीलिए उसको क्या कहा जाता है, तपोवन किया, तपोवन बोला गया है। अब बात आती है सूर्य मंदिर या मूर्तियों की। सूर्य मंदिर या मूर्तियाँ क्या दिमाग में आ रहा है आपके? सूर्य मंदिर या मूर्तियों से आप लोगों को सीधे सीधे ये है कि जितने यहाँ पर मंदिर हैं कुमाऊँ क्षेत्र में, उससे पता चलता है कि यहाँ पर कभी कौन रहे थे, शक रहे थे, मीन्स यहाँ पर शक लोगों का अधिकार था इस क्षेत्र में। अब है बाड़ा वाला यज्ञ वेदिका। बाड़ा वाला यज्ञ वेदिका आप लोगों ने ये पहले सुना होगा, ये जो था इसको किया था, कलर चेंज कर लेते हैं, बड़ा वाला जो था इसका निर्माण किया था शील वर्मन ने, यहाँ पर लिख लेते हैं शील वर्मन, शील वर्मन। तो शील वर्मन ने इसका निर्माण कब किया था, तृतीय शती में, तीसरी शती में, ठीक है। तो शील वर्मन ने इसे तीसरी शती में क्या किया था, इसका निर्माण किया था, किसका, बाड़ा वाला यज्ञ वेदिका का। प्रयाग प्रशस्ति जो कि समुद्रगुप्त ने लिखी थी, प्रयाग प्रशस्ति। यहाँ पे करतपुर को गुप्त साम्राज्य की उत्तरी सीमा पर स्थित एक अधीन राज्य बताया था, तो इसमें हम बोलेंगे जिसमें करतपुर राज्य, जो करतपुर राज्य था उसको समुद्रगुप्त की जो प्रयाग प्रशस्ति उन्होंने लिखी है, वो उसमें इस चीज़ का वर्णन किया गया है। उसके बाद अगला आ जाते हैं, यहाँ पे एक वर्ड आ रहा है आपका भृंगतुंग। भृंगतुंग, अब भृंगतुंग जैसे ही आप लोगों को सुनाई देगा, तो भृंगतुंग किसको कहा गया है, ये है आप लोगों का केदारनाथ को, केदारनाथ। अब आ जाते हैं अगला, अगला जो वर्ड है वन पर्व। वन पर्व में महाभारत के किस पर्व में, अब ये पार्ट हैं आप लोगों के महाभारत के, तो उसमें है वन पर्व। वन पर्व में पांडवों ने कहा कि बद्रीनाथ गए थे, वन पर्व में ये बताया गया कि बद्रीनाथ। अब एक ही चीज से कई सारे क्वेश्चन बनते हैं कि किसकी यात्रा का वर्णन है, तो पांडवों की वर्णन यात्रा का वर्णन है। कहाँ गए थे, वो गए थे बद्रीनाथ, ठीक है। ये जो वन पर्व है किसका हिस्सा है, ये है महाभारत का। और ये भी पूछा जा सकता है कि महाभारत के किस पर्व में ये पूछा गया, कहाँ पर वो गए थे या कहाँ पर उसका जिक्र है, वर्णन है, तो वो है आपका वन पर्व में। तो आप इस तरह से अपने साथ अगर डिस्कशन करेंगे बैठ के, जैसे मैं बात करूँ खुद की, हिमानी मैडम की तैयारी की, तो उन्होंने अपनी तैयारी शेयर की होगी आप लोगों के साथ में, उसमें भी हम लोग क्या करते थे, इसी तरह से बैठ कर, जब हम इस तरह से हमने लिख लिया किसी चीज़ को, तो हम लोग एक दूसरे से डिस्कशन किया करते थे कि अच्छा ये एक वर्ड है, इस वर्ड से रिलेटेड कौन कौन से क्वेश्चन बन सकते हैं। तो काफ़ी फ़ायदा हुआ उन्हें ना, उनके सिलेक्शन में। तो आप लोग अगर इस तरह से करते हैं, आप लोगों में बहुत सिलेक्शन होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। आगे चलते हैं, यहाँ पर है मुचकुंद गुफा। जो ये मुचकुंद गुफा है ये कहाँ पर है, अगर ये बाकी गुफाओं के साथ में आती है तो क्वेश्चन इजी हो जाता है, लेकिन अगर ये अलग से पूछा जाता है तो थोड़ा सा दिक्कत होती है। तो मुचकुंद गुफा ये आप लोगों की है बद्रीनाथ में, ये आप लोगों की बद्रीनाथ में है।
हुडली, हुडली में क्वेश्चन आता है कि किस तरह किस कलर का जो था शैलचित्र थे, तो ये था आपका नीली, और मैंने आप लोगों को ये शॉर्टकट में भी बताया था, जब शॉर्टकट बनाया था इनका तो उसमें था नीली हुडली। आठ, आठ जो था, क्या याद आ रहा है आप लोगों को आठ से? जब भी आप एट देखेंगे यहाँ पे क्या आ रहा है, तो यहाँ पे आठ क्या है, मानव जो है मानवाकृति मिली है, और वो किस धातु की मिली मिली थी? वो थी आपकी ताम्र, वो थी ताम्र मीन्स तांबा। और कहाँ पर ये मिली थी? ये मिली थी बनकोट, और बनकोट कहाँ पर है? पिथौरागढ़ में है। तो मैंने आपको एक फॉर्मूला भी बनाया था इसके लिए कि पिथौरागढ़ में एक आदमी है जिसने क्या किया था, आठ आदमी हैं और आठ आदमी जो हैं उन्होंने कोट पहने हुए हैं, ठीक है, और वो वहाँ पर हैं, और वो किस तरह के आदमी हैं? तांबे के बने हुए आदमी। तो इस तरह से आप लोग इसे को रिलेट कर सकते हैं। अब आती है बात 820 ईस्वी की। 820 ईस्वी से आप लोगों को क्या याद आ रहा है? 820 में जो आदि गुरु शंकराचार्य जी थे, उन्होंने केदारनाथ में अपना प्राण त्यागे थे, तो उन्होंने अपना शरीर जो था वो त्याग दिया था। कहाँ पर त्यागा था? वो था आपका केदारनाथ। आप लोगों को ध्यान रखना है, ये पूछा जा सकता है कि कहाँ पर था। अयोध्या, अब एक वर्ड आ गया है आप लोग, अयोध्या। अयोध्या का उत्तराखंड से क्या लेना देना है? तो लक्ष्मीदत्त जोशी के अनुसार कार्तिकेयपुर के जो राजा थे, कार्तिकेयपुर के जितने राजा थे वो कहाँ से बिलोंग करते थे? कार्तिकेयपुर आप लोग याद रख सकते, कार्तिकेयपुर के जो राजा थे वो कहाँ से थे? वो थे आपके अयोध्या से, ये माना जाता है। कल्याण चंद्र चतुर्थ, कल्याण चंद्र चतुर्थ से आप लोगों को क्या याद है? ये है आप लोगों का रोहिल। तो रोहिलों ने क्या किया था? आक्रमण किया था कल्याण चंद्र चतुर्थ के टाइम पर। अब बात आती है राजतरंगिणी। राजतरंगिणी आप लोगों को पता है कि ये कश्मीरी राज्य, ये जो है ये कश्मीर से रिलेटेड है। पहली चीज़ तो आप लोगों याद रखना है कि ये कश्मीर से रिलेटेड है। जैसे आप लोगों का कोई क्वेश्चन बनता है तो तुरंत आप लोग पकड़ लेंगे कि अच्छा ये कश्मीर से है, तो ये रिलेटेड होगा राजतरंगिणी से। इस पुस्तक में कश्मीरी राजा ललितादित्य मुक्तापीठ द्वारा गढ़वाल क्षेत्र को जीतने का उल्लेख भी है। मींस जो कश्मीर का राजा था उसने क्या किया था? उत्तराखंड को जीता था। ये बात कहाँ लिखी हुई है? राजतरंगिणी में। अब बात आती है कि एक वर्ड आया है आप लोगों का पौरव। किस शताब्दी में ब्रह्मपुर में पौरवों का शासन था? तो ये है आप लोगों का 6वीं शताब्दी में। तो आप बना सकते हैं 3री शताब्दी, 5वीं शताब्दी, 6वीं शताब्दी, 8वीं शताब्दी। इस तरह से आप अपने लिए एक सीरीज भी बना सकते हैं। सीरीज बनाने से ये फायदा होता है कि आपकी सारी चीज़ें आंखों के सामने होती है। पांडुकेश्वर ताम्रपत्र, पांडुकेश्वर ताम्रपत्र जो है उसमें किस चीज़ के बारे में लिखा गया है? तो सबसे पहले तो आप लोगों को राजा याद होना चाहिए कि जिस राजा के बारे में पता है, तो ये है आप लोगों का भूदेव। कि भूदेव के बारे में, और भूदेव किसका बेटा था? भूदेव था आपका ललित सूर का, ललित सूरदेव का बेटा था भूदेव। और जब वो राजा बना था तब पांडुकेश्वर ताम्रपत्र लिखा गया था। उस टाइम पे क्या किया जाता था, कोई भी इम्पोर्टेंट, अगर आप लोगों को जिसको नहीं पता उसको उसके लिए बता देता हूँ कि जो भी इम्पोर्टेंट पुराने काम होते थे उसे तांबे का एक मीन्स पत्र बनाकर पर कुछ लिख दिया जाता कि इसी सन में ये सब चीजें हुई है। तो यहाँ पे भूदेव के राजा बनने के का जो टाइम था, और ये बहुत इम्पोर्टेंट एक डॉक्यूमेंट हो जाता है किसके लिए, इतिहास को स्टडी करने के लिए। अब बात आती है हर्षचरित। हर्षचरित में क्या है? हर्षवर्धन के शासनकाल में उत्तराखंड भ्रमण पर आने वाले लोगों का वर्णन है। तो हर्षचरित में क्या है? जो जो उत्तराखंड में आए थे, यूके में आए थे, उनका वर्णन है। तो अगर पूछा जाए कि यूके में आने वाले वर्णन हमें जो भी यहाँ पर आए थे घूमने के लिए, भ्रमण करने के लिए, वो कहाँ मिलता है? तो हर्षचरित में मिलता है। 1191, क्या आप लोगों को याद है कि 1191 बहुत इम्पोर्टेंट था? इसमें जो नेपाल के अशोक चल था उसने कत्यूरी राज पर आक्रमण करके उसके कुछ भाग को क्या कर लिया था? कब्जा कर लिया था। राजबुंगा, ये जो राजबुंगा था इसे हमने, इसका नाम ही हमने सोम राजबुंगा कर दिया था, सोम राज बुंगा, ठीक है। बार बार आप इसे पढ़ेंगे सोम राज बुंगा, तो आपको कभी कंफ्यूजन ही नहीं होगा कि राज बुंगा का जो किला था वो किस शासक ने बनाया था, क्योंकि इतनी इन्फॉर्मेशन हम पढ़ते हैं, इतने सब्जेक्ट पढ़ते हैं कि हमें कंफ्यूजन होना शुरू हो जाता है, ठीक है। और वो ऑब्वियस सी बात है, 10% अगर आपको किसी चीज़ में
तैयारी के बाद कन्फ्यूजन हो रहा है तो वो नॉर्मल बात है, वो होता ही है, लेकिन हमें उस 10% को कम करते हुए चलना है, ये हमारी कोशिश रहती है। अब आप इसे सोमराज बुंगा ही बोलिए, आज के बाद कभी भी आप कन्फ्यूजन में नहीं आएंगे। जो राजबुंगा का किला था वो किस शासक ने बनाया था, वो था आपका चंपावत में ये किला था, और किसने बनाया था, सोमचंद ने बनाया था। अब बात आती है लाल मंडी का किला। लाल मंडी का जो किला था वो, उसका एक दूसरा नाम भी है, वो क्या है, ये आप लोगों का क्वेश्चन है। तो था आपका फोर्ट मायरा। तो यहाँ पर मैं आप लोगों को टेक्निक बता चुका हूँ, अगर आप इस टेक्निक से काम करते हैं, चीज़ों को कोरिलेट करके रखते हैं, चीज़ों को इस तरह से एक पेज पे लिख के उस पेज पर डिस्कशन कीजिए, पेंसिल उठाइए, पहले पेंसिल लिख दीजिए, थोड़ा थोड़ा स्पेस छोड़ दीजिए, और फिर सारी जगह पे छोटा छोटा लिख के डिस्कशन कीजिए पेंसिल से, जिसे आप बाद में हटा भी पाएँ। बार बार का आपको डिस्कशन करना है। तो अगर आप पूरी बुक का डिस्कशन इस तरह से करेंगे तो डेफिनेटली आपका जो ये 10% है कन्फ्यूजन वाला, वो कम होता जाएगा, और आपके जो तुक्के होंगे वो ज़्यादा बेहतर लगेंगे। अगर आपने 20 तुक्के मारे हैं तो उसमें चांसेस हैं कि 12 से 14 आप लोगों के क्या हो जाएंगे, सही हो जाएंगे। तो आपका जो नेगेटिव मार्किंग वाला डर है वो भी आप लोगों का इससे काफ़ी कम हो जाता है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, ऑल द बेस्ट, और तैयारी करते रहिए, खुश रहिए।